मालदीव्स की जो है बुरी हालत हुई पड़ी है। कल रात इनकी सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। मालदीव हमारा ब्रदर मुल्क, और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो। बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड, बॉलीवुड का एक पूरा का पूरी बाढ़ आ गई। उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मेरे लिए हैरान कुन था कि मालदीव के वज़रा ये ज़बान इस तरह इतना ज्यादा हुआ। मालदीव में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान खान, अक्षय कुमार ने बल्कि आके कंडेम किया है कि इन्होंने इनकी बीवी की फोटो शेयर की एंड यू नो दे शुड नॉट हैव यूज सच अ डेरोगेटरी लैंग्वेज। मालदीव के जो पीएम है वो स्टेटस लगा रहे हैं और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव को, रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है, 1988 का उनका कू था, उसको बचाया जाके भारतीय नेवी ने था। इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा ले 3,000 से 4,000 टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहाँ पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है। इनको प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल, होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। जब इनको मार पड़ी, जब इनका इंटरनेट चलना शुरू हुआ, इनकी वेबसाइट्स रीस्टोर हो गई, तब इनको समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है, सारी होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। बायकॉट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। कल रात इनकी सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई एंड कुछ पता नहीं चला, और रिस्टोर भी नहीं हुई, लंबे टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई, काफी टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई। और उसके बाद रिस्टोर हुई सुबह, तो पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ अटैक हुआ था जिसमें अननोन मैन का हाथ था, अज्ञात वीरों का हाथ था। क्यों हुआ, किसने किया, कहां से हुआ, इसके बारे में इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुन्नी देश है, कितने पढ़े लिखे होंगे आप जानते हैं, वैसे ये ज्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बट अभी तक ये निकाल नहीं पाए हैं। प्रेसिडेंट का बयान आया है कि वर्किंग टू रिजॉल्व द एनसीआईटी नेशनल कमीशन फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वर्किंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए हो गया, अब आते हैं इनके नेक्स्ट उस पर। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए वहां पर सिर्फ उन्होंने फोटोशूट कराया, मालदीव्स का नाम नहीं आया किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, किसी भी ऑफिशियल आला कमांड की तरफ से मालदीव्स का मेंशन नहीं था। पर कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले तो आप चाइना की जाकर गोद में बैठ गए, उसके बाद जिस चीज को आपको उठाना नहीं था आपने उठा लिया, आपके 3 मिनिस्टर्स इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करने लगे भारत के खिलाफ में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में, कि वो बेशर्मी की हद पार कर गए। वो आइलैंड जहां पर अगर लड़कियां बिकनी पहन ले तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, वो टूरिज्म का ज्ञान तो भारत को ना बांटे, जहां पर हम जिस मर्जी से चाहे कपड़े पहनकर घूमते हैं, जिस मर्जी से, हमारे हर तरीके की मूवी बनती है। चलिए इन्होंने क्या किया, अक्षय कुमार की बीवी ट्विंकल खन्ना की कुछ एक पुरानी फोटोग्राफ निकालकर वायरल करना शुरू की, सिमिलरली फॉर विपाशा बसु। तो इस वक्त अज्ञात वीरों ने तो जो हैकिंग की, जो इनका डेटा इंफॉर्मेशन निकला और क्या क्या अंदर खिचड़ी पकड़ी है इनके और चाइना के बीच में, वो तो हुआ ही हुआ। एक बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड का एक पूरा का पूरी बाढ़ आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान खान, अक्षय कुमार ने बल्कि आके कंडेम किया है कि इन्होंने इनकी बीवी की फोटो शेयर की एंड यू नो दे शुड नॉट हैव यूज सच अ डेरोगेटरी लैंग्वेज। सलमान खान, अ वेरी प्रोमिनेंट मुस्लिम एक्टर इन बॉलीवुड। उसके बाद नाम नोट करते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम्स है, शिल्पा शेट्टी, रणवीर सिंह, भूमि पदनेकर, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण धवन, पूजा हेगड़े, उरुषि राउतोला, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सबके सब ने सामने आकर प्रो लक्षद्वीप, आई एम नॉट सेइंग एंटी मालदीव, आई एम सेइंग लक्षद्वीप कितना सुंदर है, वहां जाना चाहिए वेकेशंस के लिए, और किस तरीके से वहां स्पेंड करना चाहिए, इतना नीट है, क्लीन है, सीनरी बहुत अच्छी है, कोरल आइलैंड्स हैं, स्क्यूबा डाइविंग बहुत अच्छी, मतलब जो उसके ब्यूटिफुल फीचर्स हैं, मैं ये कहूंगी लक्षद्वीप के बिना मालदीव को टारगेट किए हुए, जो उसके ब्यूटिफुल फीचर्स हैं उसके बारे में इन सभी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया।
एंड उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कल से लेकर आज तक उसका इम्पैक्ट, ये बोलते हैं ना, एस्केलेट करता जा रहा है मैटर, बिल्कुल एग्जैक्टली एस्केलेट कर रहा है। उनकी जो है प्राइम मिनिस्टर की सोशल वेबसाइट हैक होगी, उनकी जो टूरिज्म वेबसाइट है वो हैक होगी, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी वेबसाइट हैक होगी। तो अब मालदीव ये इल्ज़ाम इंडिया पे लगा रहा है कि इंडिया ने हैक कराई और एक घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद उन्होंने वो वेबसाइट को बहाल किया। देखें जी, जितनी टेक्नोलॉजी IT में एक्सपर्ट जितने इंडियन बैठे हुए हैं, जहरी सी बात है, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं तो उनका फ़ैन ही हूँ, लेकिन उनको पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे दुख हुआ है, तो सारे इंडियन को हुआ होगा। जहरी सी बात है, उनके बड़े PM को उस पर इन्होंने बात की, उनके मुल्क पे बात आती है। जब आप बात करते हैं खाली PM की नहीं होती, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने मुल्क को कर रहा था, उस पे ये बात आती है। तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, पूरे इंडियन को बायकॉट करना चाहिए, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, इनको सबक सिखाना चाहिए कि किस तरह किसी के PM के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की बात दोबारा ना हो, ताकि ये ऐसा ट्रेंड ना हो। और देखिए, हम अगर नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देते हैं कि यार कोई भी मसले मसाइल हो उनके इंटरनली, लेकिन जब बात मुल्क की आए, जब उनके वज़ीर आज़म की बात है या जब इंडियंस की बात आए, तो बलोच भाई वो सब एक हो जाते हैं और ऐसी मिसाल दुनिया के सामने खड़े करते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कैनेडा को हमने देखा, उनके आगे घुटने टेकते हुए, उनसे माफ़ियाँ मांगते हुए, लेकिन एक दफ़ा जब इंडियन किसी मुल्क का बायकॉट कर देते हैं तो उसका दोबारा से फिर उस तरह बूस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो तीन बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने दिलों अपने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइस साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है, मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जी इसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपोलोजीज हो रही है। और चीमा साहब मैं यहां पर बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है, 1988 का उनका कू था, उसको बचाया जाके भारतीय नेवी ने था, 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सरवाइव सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब के, वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाए, आर्मी कौन सी है वहां पे, वो 6 हेलीकॉप्टर के पायलट है जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें, उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है उनका, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप, वो जो तीन लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शेवना और मलिशा शरीफ है, एक भाइये का नाम है हसन जीखान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए।